सर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका ये जो डायग्राम ड्रॉ है वहाँ पे आपके दो स्केल्स हैं, एक आपकी प्रेशर स्केल और दूसरी आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम स्केल। एज इट इज सेम आपका एक डॉम है जो यहाँ पे जनरेट हुआ है, जिसमें आपके सैचुरेटेड लिक्विड लाइन भी आपकी दिखाई दे रही है, सैचुरेटेड वेपर लाइन भी आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आपके चेंजेस क्या है, यहाँ पे आपके प्रेशर और टेम्परेचर, इन दोनों के नोटिफिकेशन में यहाँ पे चेंजेस हैं। जहाँ पे हम टेम्परेचर स्केल ले रहे थे वहाँ पे हमने क्या लिया है, प्रेशर स्केल। और जिस जगह हम डिफरेंट प्रेशर के लिए उस डायग्राम को डिनोट कर रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे, उसकी जगह हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर की वजह से आपके प्रेशर के अंदर और वॉल्यूम में क्या चेंजेस आते हैं वाटर के, उसके फेज चेंज होने में, उसके डिफरेंट रीजन्स में, उसके सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के ऊपर, सैचुरेटेड वेपर लाइन पे, या फिर दोनों के मिक्सर रीजन पे। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब हम टेम्परेचर इसका इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए ऊपर की तरफ जैसे ये रीजन बढ़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट पे पहुँचेगा, वहाँ पे इसका टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा, यहीं आपका क्रिटिकल प्रेशर भी है, यहीं आपका क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम भी है। तो तीनों पॉइंट्स आपके यहीं पे हैं, एज इट इज सेम है आपका डोम, बट यहाँ पे चेंजेस आपके क्या आ रहे हैं, सिर्फ आपके टेम्परेचर लाइन। आपकी टेम्परेचर लाइन है लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होके आपकी राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रेशर वॉल्यूम आपका डोम है वो जनरेट करें, तो वहाँ पे आपको अगर टेम्परेचर कांस्टेंट लाइन शो करनी है, तो आपकी कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन आपकी इसी तरह से यहाँ पे शो होगी। बाकी ये चीज़ें मैं आपको अभी और भी पीवीटी जो सरफेस डायग्राम्स है उसके अंदर भी आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा अच्छे से, वहाँ पे भी आप ये चीज़ें समझ पाएंगे। सर हाँ सर, ये जो टेम्परेचर की लाइन है सर, ये लेफ्ट साइड में ऊपर से क्यों आ रही? तो अभी आप ये देख रहे हैं कि आपकी डिफरेंट टेम्परेचर लाइंस इस डोम के अंदर आपको मिल रही हैं, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं आपके डोम के बीच का रीजन है वो कम होता जा रहा है। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन, राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है सैचुरेटेड वेपर रीजन, और बीच में आपका जो रीजन है वो सेम एज इट इज क्या है आपका, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन। जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर आपने किस तरह से ये कर्व है वो ड्रॉ कर सकते हैं, उस कर्व से हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिल सकते हैं, और उन पॉइंट्स की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि जब भी हम अगर हमारी कंडीशन जो अप्लाई होंगी हमारे सिस्टम पे, हमारा कोई भी अरेंजमेंट है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो उनके अंदर हम यहाँ पे तो आइडेंटिटी हमने क्या किया कि आपका T1 हो या T2 कोई भी एक टेम्परेचर इमेजिन किया है कि आपके कुछ भी टेम्परेचर हो सकते हैं और जो कि आइडियल हैं, बट एक्चुअल कंडीशंस में आपके टेम्परेचर की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी वहाँ पे, तो वो जो वैल्यूज़ होगी उन वैल्यूज़ को हम डिफाइन करने के लिए यहाँ पे उन एक्चुअल वैल्यूज़ को यहाँ पे डिनोट करेंगे। यहाँ पे आपकी एक स्केलिंग ली जाएगी और उस स्केल को यूज़ करके आपके यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू है, आपके वॉल्यूम की वैल्यू है, और आपके टेम्परेचर फिक्स जो टेम्परेचर है उसकी एक लाइन है वो वहाँ पे डिनोट होगी। तो उन सब चीज़ों से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में इनकी वैल्यू क्या है। और दूसरी बात, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को स्टीम टेबल है वो परचेज करनी है। तो या तो आप ट्राई करना कि आपको इंटरनेट पे डाउनलोड मिल जाए स्टीम टेबल फॉर थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें आप लोगों को स्टीम टेबल मिलेंगी अलग अलग रीजन की, जिसमें आपको लिक्विड के लिए भी सैचुरेटेड वाटर की, या फिर आपको स्टीम की, या फिर सुपर हीटेड स्टीम की, अलग अलग पॉइंट्स की, आपके डिफरेंट प्रेशर के लिए, डिफरेंट टेम्परेचर के लिए, उन आपके स्टीम की जो वैल्यूज़ होती हैं जो हम इस ग्राफ में नहीं देख पा रहे हैं, वो वैल्यूज़ आपको वहाँ पे उस टेबल में मिल जाती हैं। या फिर आप मूलर चार्ट है वो भी उसके अंदर मिलेगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका जो कर्व है ये बिल्कुल आपका सिंपल कर्व दिखाई दे रहा है, बट इसके अंदर अगर हम ग्राफ स्केल के ऊपर देखते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस में ये ग्राफ आपका ड्रॉ होता है, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर उनकी वैल्यूज़ हैं वो फिक्स होती हैं, उन वैल्यूज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपका ग्राफ किसी एक पाथ को फॉलो कर रहा है, उसके पर्टिकुलर पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है, तो हम स्केल के थ्रू उन पॉइंट्स को मिला सकते हैं। उन पॉइंट्स को मिलाने के ऊपर जब हमें पता चलता है कि आपके ग्राफ ने कौन कौन से पॉइंट्स को वहाँ पे टच किया था, तो वहाँ उन पॉइंट्स के ऊपर हम उसकी वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपकी जो स्केल है उसके ऊपर, या फिर आपकी हॉरिजॉन्टल स्केल है वहाँ पे हम उसकी वैल्यू देख सकते हैं कि आपके पॉइंट वन से पॉइंट टू पे एक पाथ पहुँचा था, उस पाथ के ऊपर आपकी उस ग्राफ के अंदर आपको एंथैल्पी, आपकी एंट्रोपी, आपका टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, आपके मास फ्रैक्शन, वो सारी वैल्यूज़ आपको एक ही ग्राफ के अंदर मिल जाती हैं, और उन हर ग्राफ, उन हर एक वैल्यू के लिए आपके ग्राफ में डिफरेंट
पैटर्न को फॉलो करने वाली लाइंस होती हैं, और वो लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल प्रॉपरली गैप के साथ कंजर्व होते हैं। जैसे हम ग्राफ, ये तो आपने कर्व देखा है यहाँ पे, एक्चुअल में आपने जब स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा होगा, उसमें ग्राफ देखे होंगे। और ग्राफ में क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है, उसमें हर एक डिवीजन को अलग अलग डिवाइड किया जाता है, पर्टिकुलर स्केल होती है, जैसे आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उसमें आपने देखा होगा कि आपकी यूनिट स्केल के लिए एक ब्लॉक होता है, और उस ब्लॉक को भी आपके इक्विलेंट अलग अलग नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, 5 या 10। तो उन ब्लॉक्स से हम डिवाइड, जहाँ भी हमारा पॉइंट होता है वो अगर लाइज करता है, तो हम उससे देख सकते हैं कि आपके एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की स्केल में और राइट हैंड साइड आपके बॉटम स्केल है वहाँ पे। तो उन दोनों से हमें पता चलता है कि आपके एक्चुअल पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर किसी भी चीज़ की क्या वैल्यू रहेगी। तो ऐसा ही यहाँ पे इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होता है कि ग्राफ्स आपके इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आपकी स्केल के थ्रू आप यहाँ पे पता कर सकें कि आपकी वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पे। तो उन चीज़ों को डिनोट करने के लिए हमने यहाँ पे ये ग्राफ्स बनाए। ये ग्राफ हमारे आइडियल हैं, बट एक्चुअल ग्राफ्स हैं, उनकी मदद से हम पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए वहाँ पे उन पॉइंट्स को अप्लाई करके और फिर उसके बाद उनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम अगर आगे बात करते हैं, तो आपके जो पॉइंट्स हैं, तो दैट मीन्स आपके फेज चेंजेस प्रोसेस के लिए आपके कर्व जो बनते हैं, तो हम एक कर्व यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि आपकी फेज चेंज होती है सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू वेपर। तो यहाँ पे दो आपके अलग अलग केसेज हो सकते हैं। एक ऐसा केस है जिसको अगर हम फ्रीजिंग के बाद, जैसे हम उसको ठंडा करते हैं लिक्विड को, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और दूसरा क्या होता है, जिसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, ठंडा होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और गर्म करते हैं लिक्विड में चेंज होता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे आपको दो कर्व दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड का जो कर्व है वो आपका जनरल कर्व है, जिसके अंदर क्या होता है, आप जैसे इसको टेम्परेचर राइज करेंगे, टेम्परेचर राइज करने के बाद इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, और उसके बाद इसमें फेज चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे। सेम आपका वही क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट के बाद आपकी वेपर रीजन आ जाएगी। बट सेकंड साइड वाला जो आप कर्व दिखाई दे रहे हैं, राइट हैंड साइड वाला, उस कर्व में आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आपके यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड और सॉलिड के बाद आपने इसका टेम्परेचर राइज किया, तो टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए था, वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए था। तो दैट मीन्स आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आके उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, या फिर हम उसको अगर ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। बट जब उसका टेम्परेचर कम किया जाता है, तो एक पर्टिकुलर फिक्स पोजिशन के ऊपर उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। तो ये एक वाटर की प्रॉपर्टी है कि उसको जब हम फ्रीज करते हैं तो नियर अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो वहाँ पे हम इसको फिनोमेना को समझने के लिए इन ग्राफ को जनरेट करते हैं, जहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाले में क्या है, सिंपल आपका एक रीजन है जहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल सॉलिड रीजन है। यहाँ पे आपके सपोज सॉलिड में जो भी आप मटेरियल ले रहे हैं वो पूरा का पूरा आपका सॉलिड में है, बट उसके बाद जैसे ही उसका टेम्परेचर राइज हुआ या प्रेशर राइज हुआ, दोनों में चेंजेस होने की वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होने से उसके अंदर सॉलिड प्लस लिक्विड एक फेज अवेलेबल होगी, जहाँ पे कुछ पार्ट में वो आपका सॉलिड में भी है और कुछ में लिक्विड में भी। देन अगेन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड में। तो ये जो रीजन है आपका एज इट इज, जैसे आपका लिक्विड प्लस वेपर रीजन था, यहाँ पे आपका क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड रीजन। इस रीजन के अंदर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सैचुरेट आपका लिक्विड, और ये जो लाइन आपकी यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जो स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे आपके सॉलिड लिक्विड और लिक्विड के बीच में, एज इट इज यहाँ पे आपकी लाइन क्या थी, लिक्विड और लिक्विड प्लस वेपर में, तो इसे हम क्या बोलते थे, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो ये लाइन है यहाँ से लेके कम्प्लीटली और पूरे क्रिटिकल पॉइंट तक, इसे कम्प्लीट हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और जहाँ पे आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उस लाइन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉलिड लाइन। एज इट इज आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट, ये आपकी क्या हो गई, सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो ऐसे ही आपका कर्व है वो कहाँ डिनोट हो रहा है, आपके राइट हैंड साइड वाले दूसरे कर्व में। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, एक्चुअल तो यही होना चाहिए था कि आपका सॉलिड है, जब सॉलिड प्लस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो आपका ग्राफ इस पॉइंट के ऊपर मिलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। आपका ग्राफ जो है वो ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है नीचे ट्रिपल लाइन वाला पॉइंट है,
इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आपका ग्राफ मिलता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका ग्राफ रीजन कम होना चाहिए था, बट यहाँ आपका वॉल्यूम है वो कम हो जाता है जो पर्टिकुलर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो जब यह आपका पर्टिकुलर सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे आपका जितना वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो रहा है तो वो वॉल्यूम में चेंजेस है वो वाटर में देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसमें आपको ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है एट द सॉलिडिफिकेशन। नहीं, सॉलिडिफिकेशन में इंक्रीज होता है एक बार, और लिक्विड में, लिक्विड से जब हम इसको, वाटर से जब हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तब इसका वॉल्यूम आपका इंक्रीज होता है। तो ये आपके जो चेंजेस हैं ये आपके सिर्फ पर्टिकुलर एक ही आपका सब्सटेंस है जिसके अंदर आपको ये दिखाई देते हैं। अब इसको अगर हम आपके पीवीटी सरफेस डायग्राम, जिसमें आपका प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है और टेम्परेचर भी है, अगर हम तीनों स्केल के ऊपर एक साथ देखने की कोशिश करेंगे तब हमें पता चलेगा कि आपका डायग्राम है वो किस तरह से दिखाई देता है। ये आपका 2D रिप्रेजेंटेशन है इसलिए हम इसमें दो ही स्केल देख सकते हैं, बट हम अगर 3D स्केल के ऊपर इसको देखने की कोशिश करते हैं तो 3D स्केल में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाली चीज़ जो सेम अभी आपको बताई थी कि आपका जो डायग्राम है वो PVT सरफेस, दैट मीन्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तीनों सर्फेसेज को अगर हम 3D यहाँ पे डिनोट करते हैं तो 3D आपको कैसे दिखाई देगा। ये आपका सिंपल रीजन है जो कि नॉर्मल जो आपके सब्सटेंसेज हैं मेल्ट करने के ऊपर उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो दैट मीन्स यहाँ से ये आपका ड्रोम है वो ड्रोन हो रहा है, आप यहाँ पे मेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट करने के बाद आपका पर्टिकुलर यहाँ पे सॉलिड था, इस बीच के रीजन में सॉलिड प्लस लिक्विड रीजन है, यहाँ पे आपका पर्टिकुलरली लिक्विड है और ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे आपके बीच में आपको लिक्विड प्लस वेपर रीजन मिलेगा और उसके बाद आपको वेपर, दैट मीन्स कम्प्लीटली गैसियस। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एज इट इज आपका दूसरा रीजन जो है वहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि आपका सॉलिड वाला रीजन है वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, आपके पॉइंट के आगे जहाँ पे आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। दैट मीन्स अब अगर ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसका पहले वॉल्यूम डिक्रीज होगा और फिर दोबारा से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो ये आपके वाटर के केस में आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह से आपके अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग चेंजेस आते हैं। यहाँ पे आपकी जो स्केल आप स्ट्रेट में देख रहे हो वो आपकी प्रेशर स्केल है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन में देख रहे हो वो आपकी वॉल्यूम में चेंजेस हैं, और ये जो आप तीसरी डायमेंशन देख रहे हैं, थर्ड डायमेंशन, वो आपकी टेम्परेचर स्केल है। तो ये जो लाइन्स आपको दिखाई दे रही हैं कर्व में, ये सारी आपकी टेम्परेचर लाइन्स हैं जो कि आपके ऊपर से लेके नीचे तक आ रही हैं। तो इसी तरह से हमने आपको, मैंने बताया था आप लोगों को कि आपकी जो टेम्परेचर लाइन्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ से आके राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ जाती। तो एज इट इज़ हम यहाँ पे इनको देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी इस स्केल के ऊपर आपकी टेम्परेचर लाइन्स हैं उनकी वजह से आपके कर्व में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये कर्व आपका कटिंग सेक्शन में इसलिए दिखाया दिया है ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आपके पॉइंट्स के ऊपर आपके टेम्परेचर का, आपके प्रेशर का और आपके वॉल्यूम का, तीनों का इफेक्ट वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें बीच में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, इसमें ट्रिपल लाइन। तो ट्रिपल लाइन है वो क्या है, या ट्रिपल पॉइंट है वो क्या होता है? तो उसके लिए आपको बताता हूँ, एक ही पॉइंट के ऊपर आपकी तीनों फेजेस अवेलेबल होते हैं। तीन फेज कौन सी है अपनी, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेज। तो तीनों फेजेस अगर आपके पर्टिकुलर एक सिंगल पॉइंट के ऊपर अवेलेबल हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट। और इस ट्रिपल पॉइंट की एक फिक्स वैल्यू होती है और वो वैल्यू आपके पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वाटर है तो वाटर के लिए आपके ट्रिपल पॉइंट की जो वैल्यूज हैं तो उनकी वैल्यू आपकी क्या रहेगी, टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 273.16 केल्विन, एंड प्रेशर 0.6113 किलो पास्कल। तो इन वैल्यूज के ऊपर आपका सब्सटेंस यानी कि वाटर तीनों फेजेज में अवेलेबल रहेगा। आपका यहाँ पे सॉलिड में भी होगा, आपका वेपर में भी होगा और आपका लिक्विड रीजन में भी होगा। तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है इसके आपको यहाँ पे एक लाइन के रूप में वहाँ पे डिनोट किया गया है, उसको दिखाया गया है कि कैसे उसका वॉल्यूम है वो चेंज होता है इस पर्टिकुलर आपका प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर। तो वो आपके चेंजेस वहाँ पे हो सकते हैं। तो दैट मीन्स आपके ट्रिपल पॉइंट के ऊपर आपको प्रेशर और आपका टेम्परेचर है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रखना होता है,
वही कांस्टेंट रहते हैं, तब आपका पॉइंट है उसके ऊपर आपको तीनों फेजेस अवेलेबल हो जाती हैं। और लाइन इसलिए है क्योंकि आपने देखा है कि आपकी फेज चेंज लाइन होती है, उसके अंदर आपको क्या रीजन मिलता है, बीच में लिक्विड प्लस वेपर रीजन। तो आपके ट्रिपल पॉइंट है तो दैट मीन्स ये बीच की जो लाइन आएगी ट्रिपल लाइन वो आपका क्या है, एक्चुअली एक पॉइंट ही है, बट वहाँ पे आपके वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं और वॉल्यूम में चेंजेस आने की वजह से सॉलिड आपका वेपर में भी कन्वर्ट हो रहा है और सॉलिड आपका लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स आपके पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना चेंजेस हो सकता है और वहाँ पे आपकी कौन सी फेज वहाँ अवेलेबल हो सकती है, तो इसलिए वो पॉइंट आपका एक लाइन के रूप में आपके अलग अलग प्रेशर के ऊपर डिनोट हो सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉपर्टी टेबल। अब आपकी प्रॉपर्टी टेबल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी स्टीम टेबल है, आपके मोलर चार्ट हैं, तो दैट मीन्स दीज आर द प्रॉपर्टी टेबल्स। उसके अंदर क्या होगा, आपको अलग अलग आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके डेटाज हैं, वो आपको वहाँ पे मिलते हैं। इन एडिशन टू द टेम्परेचर प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम टेबल कंटेंट डाटा फॉर द स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी स्मॉल यू, द स्पेसिफिक एंथैल्पी स्मॉल एच एंड द स्पेसिफिक एंट्रोपी स्मॉल एस। तो इन तीनों की वैल्यूज भी आपको वहाँ पे मिलती हैं। आपके स्टीम टेबल है वो अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारे डाटाज मिलते हैं और उन डेटा में अलग अलग पॉइंट के ऊपर या अलग अलग आपके वैल्यूज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आपको वहाँ पे मिलती हैं। जैसे आपने अगर प्रेशर चेंज किया तो प्रेशर चेंज होने की वजह से उसके टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी, उसके वॉल्यूम में, उसकी एंथैल्पी में, इन इन चीज़ों में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनके लिए अलग अलग टेबल्स में अलग अलग वैल्यूज़ वहाँ पर दी हुई होती हैं। और आप वहाँ पर देखेंगे वहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो जितने भी अपने स्पेसिफिक केस हो सकते हैं उन केसेस के लिए कोई भी अगर रीज़न है और हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि आपका ये पर्टिकुलर ये पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से इतना चेंजेस हो रहा है इसमें, तो आपकी नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगी, तो उन वैल्यूज़ को हम डायरेक्टली इस टीम टेबल से देख के अपने फॉर्मूलाज अप्लाई करके और उसके बाद उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके टेबल, आपके मोस्टली न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं इस यूनिट में से वो इन्हीं टेबल्स के बेसिस के ऊपर पूछे जाते हैं और उन टेबल्स को आपको देखना आना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी टेबल्स हैं वो एक जैसी दिखाई देती हैं। हमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी टेबल से हमें डेटा लेना है, कौन सी से नहीं लेना, तो इसलिए इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा सीरियसली देखना होगा। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अपना उसमें मैं आपको स्टीम टेबल है वो यहाँ पे अपने लेक्चर के अंदर आपको शो करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपकी स्टीम टेबल होती है और उसके अगर मुझे सॉफ्ट कॉपी मिलती है तो मैं आपको डाउनलोड करके और फिर आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा उसमें। बट तब तक आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सर्च करें, पढ़ें कि आपकी स्टीम टेबल्स हैं वो क्या हैं, कहाँ मिलती हैं और क्या हमारे यूज़ में आती हैं। अब इनके अंदर जब हम थर्मोडायनेमिक एनालिसिस करते हैं तो हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जैसे आपने एंथैल्पी के लिए देखा था कि एंथैल्पी क्या है, आपकी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इंटू वॉल्यूम। और अगर हम स्पेसिफिक की बात करते हैं पर यूनिट मास के लिए तो आपकी क्या हो जाती है, स्मॉल एच इक्वल्स स्मॉल यू प्लस पी वी। तो ये वैल्यूज़ क्या हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशंस। तो एक दूसरे के साथ अगर इन वैल्यूज़ में रिलेशन है, अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं या हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं तो हम चौथी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन्हीं सब रिलेशंस को देख के, इन्हीं सब रिलेशंस के थ्रू वो टेबल्स हैं जो आपकी बनाई गई हैं उनके अंदर इनकी वैल्यूज़ हैं वो डिफाइन। आपकी सैचुरेटेड वाटर टेबल है तो टेम्परेचर एंड प्रेशर आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज यूजिंग द फेजेस चेंज, टू टेबल्स आर गिवन फॉर द सैचुरेशन रीजन, अलग अलग आपके जो रीजन्स हैं दैट मीन्स, और ऑलमोस्ट आपको जो बुक्स हैं उनके अंदर टेबल नंबर आपको A4 एंड A5 ही मिलेंगे जो आपके पास पीके नाग है सॉफ्ट कॉपी में। आप अगर उसको भी देखेंगे तो उसके लास्ट में आपको वहाँ पे टेबल्स मिलती हैं, लास्ट के पेजेस में जाना आप वहाँ पे टेबल्स देखेंगे तो उन स्टीम टेबल्स लिखा हुआ होगा उनके ऊपर। और टेबल नंबर A4 देखना आप, A4 में आपको क्या मिलेगा, सैचुरेटेड रीजन के लिए आपके टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में प्रॉपर्टीज़, तो वो टेम्परेचर के लिए हैं। A5 जो है आपकी वो प्रेशर के लिए है। तो अलग अलग टेबल्स हैं वो अलग अलग पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के लिए वहाँ पे डिफाइन है। तो उन पॉइंट्स को आप अगर देखोगे प्रॉपर्टीज़ को तो आप वहाँ पे समझ सकते हो। प्लस दूसरा एक है आप वहाँ पे डिफरेंस दिखा होता है बीच में FG, जो एक सबस्क्रिप्ट वहाँ पे लिखा हुआ होता है FG, दैट मीन्स आपका फ्लूड एंड गैस। तो वो जो बीच का रीजन है वो आपका क्या है, मिक्सर है आपके फ्लूड और गैसेस दोनों।
तो दैट मीन्स आपका वहाँ पे उन डिफरेंस होगा किसमें, सैचुरेटेड वेपर वैल्यू में और सैचुरेटेड लिक्विड वैल्यू में। सैचुरेटेड वेपर वैल्यू है उसे हम जी से डिनोट करते हैं, जो सबस्क्रिप्ट जी है। तो दैट मीन्स अगर आप इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यू एफ जी क्या हो जाएगा, यू एफ जी दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द फ्लूड एंड गैस फॉर इंटरनल एनर्जी। तो यू जी क्या होगा आपका वहाँ पे, इंटरनल एनर्जी फॉर गैसियस सैचुरेटेड गैस या सैचुरेटेड वेपर वैल्यू माइनस यू एफ आपकी क्या होगी, सैचुरेटेड लिक्विड रीजन के ऊपर स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे यू एफ जी में दिखाई देता है। तो ये वैल्यूज हैं आपको वहाँ पे, तीनों वैल्यूज आपको मिलेंगी। तीनों वैल्यूज में आप देख सकते हैं कि आपके दोनों वैल्यूज जो है यू जी माइनस यू एफ, उन दोनों का डिफरेंस है वही आपको यू एफ जी में वहाँ पे दिखाई देता है। तो इन वैल्यूज को हम यूज करके आपके अलग अलग जो कॉम्बिनेशन हैं उनसे अगर आपके पास यू एफ की वैल्यू है और आपके पास यू एफ जी की वैल्यू है तो आप यू जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और यू जी अगर आपके पास है यू एफ जी है तो वहाँ पे आप यू एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। उन पॉइंट्स को यूज करके आप दूसरी वैल्यूज हैं आपकी प्रॉपर्टीज हैं उनको वहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो आप डिफरेंट अगर इनके फॉर्मूलाज देखेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर आप देखेंगे एग्जांपल्स को, जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में एक या दो एग्जांपल हैं वो सॉल्व करेंगे और उनके थ्रू आप लोग इन चीज़ों को ज़्यादा इजीली और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है क्वालिटी, क्वालिटी एंड सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्स। तो क्वालिटी है या फिर आपको मैंने बताया था ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो क्वालिटी क्या है आपकी, कि आपका जो सैचुरेटेड वेपर मिक्सर है उसमें आपकी कितनी क्वालिटी है, आपकी स्टीम की क्वालिटी क्या है, तो दैट मींस कितना परसेंटेज है आपका स्टीम का। तो इसे हम अगर डिनोट करते हैं तो वो आपका डिनोट किया जाता है स्मॉल एक्स से, और स्मॉल एक्स को अगर हम फॉर्मूले में डिफाइन करें तो वो क्या होता है आपका मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर, तो दैट मींस मास ऑफ जी स्मॉल एम और सबस्क्रिप्ट में जी अपॉन टोटल मास, क्योंकि आपका मिक्सर है तो मिक्सर में आपका टोटल मास क्या क्या होगा, आपका लिक्विड जो भी मास में लिक्विड है प्लस उसमें आपके जो गैसियस है वो, तो वहाँ पे आपकी जितनी वेपर है वो वाली। तो दोनों मिक्सर में अगर आपकी गैस की वैल्यू कितनी है, दैट मीन्स गैसियस मीन्स वेपर की वैल्यू आपकी कितनी है, तो वो क्या होगी आपकी क्वालिटी ऑफ द वेपर। अगर आपका यहाँ पे सपोज एक कॉम्बिनेशन है और उस कॉम्बिनेशन में आपके लिक्विड की वैल्यू 70% है और आपके गैस की वैल्यू 30% है, तो हम अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 30/100, और आपकी क्वालिटी क्या हो जाएगी 30%, दैट मीन्स 30% इसके अंदर आपकी गैस। तो वही है इसकी यहाँ पे आप क्वालिटी डिफाइन कर सकते हो, इसकी वैल्यू हमेशा आपकी 0 से 1 तक रहेगी, क्योंकि परसेंटेज है आपका तो 0 से 100 तक होता है, और अगर फ्रैक्शन है तो वो आपका 0 से 1 तक वहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। तो इसीलिए हमेशा इसके ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू आपके 0 से 1 है, और ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब यही है कि आपकी वहाँ पे गैसेस वैल्यू कितनी है। अगर आपकी 1 है तो दैट मीन्स क्या है वो 100% सैचुरेटेड वेपर, और अगर उसकी वैल्यू 0 है ड्राइनेस फ्रैक्शन की तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा 100% सैचुरेटेड लिक्विड। तो ये दोनों डिफरेंस आपको यहाँ पे समझ में आने चाहिए कि आप किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आपके लिए ये आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन या क्वालिटी है वो यूजफुल है। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन का हमारे यूज क्या है इसके अंदर और हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं, तो आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो अलग अलग वैल्यूज़ को आपको कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। जैसे हमारे वॉल्यूम को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है आपका वी, और अगर हम इसको वॉल्यूम को कॉम्बिनेशन दिखाते हैं आपके सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट के ऊपर और सैचुरेटेड गैसेस के दोनों के मिक्सर के बीच में, तो वो क्या होगा आपका वॉल्यूम ऑफ एफ यानी कि फ्लूड के लिए प्लस वॉल्यूम ऑफ जी गैस के लिए, और मास का क्या होता है आपका एज इट इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूड प्लस वॉल्यूम ऑफ गैस, वो टोटल मास हो गया। अगर हम वॉल्यूम को स्पेसिफिक वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होगा एम वी, आपका एम क्या है मास और स्मॉल वी स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो आपका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। और ऐसे ही आपका अगर फ्लूड के लिए हम कैलकुलेट करते हैं वी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी मास फॉर फ्लूड एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर फ्लूड, तो एम एफ वी एफ एज इट इज गैसियस के लिए जो वेपर है तो उसके लिए वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको अगर फर्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा वहाँ पे पुट करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगी एम वी इक्वल्स एम एफ वी एफ प्लस एम जी वी जी, या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं मास से हम दोनों साइड में डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा वी इक्वल्स एम एफ अपॉन एम वी एफ एज इट इज आपका एम जी वी जी अपॉन एम। अब इसको हम सिंप्लीफाई ले सकते हैं,
जी क्या है? तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्वालिटी एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स इक्वल्स मास ऑफ गैस अपॉन टोटल मास, तो इक्वल्स हम लिख सकते हैं मास एम जी अपॉन एम एफ प्लस एम जी। तो एम एफ अपॉन एम को इसी से अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एम अपॉन एम एफ अपॉन एम, तो दैट मीन्स क्या होगा आपका, एम माइनस एम जी अपॉन एम, और वो हो जाएगा आपका वन माइनस एक्स। तो ये जो वैल्यू हमें मिल रही है, तो ये वन माइनस एक्स को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, आपकी जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है एम जी अपॉन एम क्या हो जाएगा आपका एक्स, और एम एफ अपॉन एम क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स। तो अब अगर हमें इस वैल्यू को यहाँ पे यूज करके फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड मिक्सर क्या होगा, वी इक्वल्स वन माइनस एक्स इंटू वी एफ प्लस एक्स इंटू वी जी। और यही फॉर्मूले आपके सेम रहते हैं आपके स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी के लिए भी, स्पेसिफिक एंथैल्पी के लिए भी। तो इन फॉर्मूलेज को यूज़ करके हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनका मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सर ये x क्या है?